हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरबीआई यूट्यूब क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जो क्वेश्चन है क्लास 8 की मैथ की बुक से लिया गया है, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला गया है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखो, हमें बस वो नंबर फाइंड करने हैं जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि भाई ऐसा कौन सा ट्रिक होता है, ऐसा कौन सा तरीका होता है, ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसे हम देखकर ही बता देते हैं कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये जो तरीका होगा ये सिर्फ उन नंबरों पर लागू होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। देखिए, अ नंबर एंडिंग विद टू थ्री सेवन एंड एट आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये वो तरीका है, ये वो मेथड है जिसे हम कह सकते हैं कि जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। आपको बस ये देखना है कि आखिरी में कोई भी नंबर है उसके आखिरी में ये टू थ्री सेवन और एट नहीं आया हो, ठीक है। टू थ्री सेवन एट जिस नंबर के आखिरी में नहीं आए होते हैं वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे थ्री आया है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें थ्री आया है सॉरी सेवन आया है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें एट आया है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें वन आया है, ये हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं है। तो चलिए फिर इसका आंसर लिखते हैं, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जो नहीं है हमें उन्हीं को बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, थ्री सेवन एंड एट आर कम एट एंडिंग ऑफ द नंबर टू दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप सिंपली यहां से बता सकते हैं कि जो फर्स्ट है, जो सेकंड है, जो थर्ड है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये जो लास्ट में आपको 441 दिख रहा है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ट्रिक पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों को भी सेंड कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।